जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कलीमुल और आप देख रहे हैं बीएन बुरेवाला। साथ मौजूद हैं कासिम शाकिर साहब, वो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं और मुसन्नफ भी हैं और हदायतकार भी हैं, और हमारे साथ और भी एक्टर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनको इस फिल्म में काम करके कैसा लग रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है? इरम मलिक। जी इरम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं सेट पे और इनसे हम जानते हैं इनको फिल्म में काम करके कैसा लग रहा है। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत बुरा वाला में मुझे प्यार और बहुत प्यार और रिस्पेक्ट मिला और मुझे बहुत अच्छा काम मिला और मैं काम कर रही हूँ माशाल्लाह। मशहूर है कि तुसी तशरीफ लाए और मेरी फिल्म एज ए कैमरा मैन भी कर रहे हैं और अज असी चक नंबर 170 च सज्जाद साहब के डेरे से और मैं उन्होंने भी मशहूर हाँ और खसूसी तौर पर मैं मियाँ ताहिर साहब गुजर साहब बुरेवाला जी गुजर हाउस तो बिलोंग करके असं इतने इस वास्ते आए कि अज उसे मिलाद पाक से और चूँकि साड़ी फिल्म लगातार गुजर हाउस बनती रही है। ये मेरी फिल्म च फस्ट टाइम अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। इन मैं अली कुरैशी एज ए आर्टिस्ट एज ए हीरो क्योंकि वो इस काबिल आ उनके फनी सलाहितें इनके च भी मैं फनी सलाहितें स्टेज पर देखी हैं और कई दफ़ा लाहौर फैसलाबाद और गुजरांवाला स्टेज करती हूँ अक्सर औकात मेरे मेल मिलाप होती रही है। मैं ही इजहार किया इन कि तुम मेरी फिल्म से काम करना पसंद करोगे। वल लैके जाओ, तालीम वल लैके जाओ, जिन्हें कोई तालीम नहीं है उन्होंने नहीं आना चाहिए। सर तुम पहली फिल्म कड़ी की थी? मेरी पहली फिल्म हीरा तो बशीरा थी जिनके फैसले जाल साहब डायरेक्टर सन। उस तो पहले मेरे टीचर सन जिन्होंने छड़ बुरे की यारी आशिक लोग सुदाई कश्मीर पिक्चर फिल्म की उन्हें ए रियाज साहब सन। ए रियाज साहब ने मैनु कन्वर्ट किया फैसल एजाज साहब। फैसल एजाज साहब मेरे कुलीग सन तो मेरे चूंकि वो सीनियर सन मैं उन्होंने टीचर कहना पे हीरा ते बशीरा फिर उन्हें दूसरी फिल्म ललकारा। अच्छा, बड़े जो एक्टर सन उन्होंने की नाम से थोड़े उही आम जी रूटीन के मुताबिक राय साहब सन, मुस्तफा कुरैशी साहब सन, हीरा ते बशीरा के नैयर सुल्ताना सी मरहूमा सायका ने और इकबाल हसन साहब मरहूम सन और इन डायरेक्टर फैसले जा। अच्छा, राय साहब ने तो काम करके किदा लगे? राय साहब मैंने बहुत प्यार करते थे क्योंकि मेरी उम्रों तो घट सी और काम करके कि मैं उन्होंने को बड़ा अच्छा लबो लहजा सीखा और उन्होंने को मैं काम सीखा। उन्होंने मैं काम करने का सैट के उत्ते मौका दिता। कई मेरे एक्टर भरा ऐसे सन जो दबका मारते सन और मैंने कहें परे हो, मगर राय च एक क्वालिटी सी कि अपने नज़दीक असिस्टेंट डायरैक्टर लिया के उन्होंने अपनी चाहत और मुहब्बत की गिरफ्त च लै लैंदा सी और सानू काम सीखने का मौका मिलता सी। थैंक यू सर, बहुत खुशी हुई सानू शाकिर साहब नाल गल करके। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों च काम भी किया है तो अरसा 45 साल तो ये काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री। जी शुक्रिया इरम जी। प्लीज़ सारी आवाम को मेरी रिक्वेस्ट है कि ये फिल्म रानी माँ ज़रूर देखें। फिल्म बना के आवाम के सामने लाना कोई आम काम नहीं है, ये सब ने देखा।